हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। यहाँ पे मार्वल कंटेस्ट चैंपियन का एक और एपिसोड है एंड इस एपिसोड में बहुत कुछ करने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्विंगिंग इनटू समर, एक नया चीज आया है, डबल ट्रैक इवेंट। यहाँ पे आप देखो, पहले फ्री टू प्लेयर प्लेयर्स के लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक रिवॉर्ड्स है, इतने भी खास रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ एंड डे पे अगर आप ये कर लेते हो, ये वाला भी कैसे क्लेम करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। पैरागॉन पे अच्छे रिवॉर्ड है यहाँ पे, और थ्रोन ब्रेकर जो कि मेरा सेकंड अकाउंट है उसके लिए भी ठीक ठाक रिवॉर्ड है, इतना भी अच्छा रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन ठीक है। अब फ्री टू प्लेयर के लिए ये है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, जो लोग परचेस कर सकते हैं 950 का प्लैटिनम ट्रैक, उनके लिए ज़बरदस्त रिवॉर्ड है भाई। यहाँ पे देखो, पहले ही दिन यहाँ पे क्या क्या रिवॉर्ड मिल रहा है यार उन्हें। आराम से मेरे ख्याल से रैंक 5 मटेरियल आराम से जमा हो जाएगा यहाँ पे यार, आराम से भाई साहब। देखो यहाँ पे कितना कुछ है यहाँ पे, पहले ही दिन, उसके बाद में और उसके बाद में और रिवॉर्ड है भाई, नीचे भी उसके रिवॉर्ड है यहाँ पे। पहले तो आपको यहाँ पे नेक्सस मिलेगा, उसके बाद में यूनिट्स मिलेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद एनर्जी। यहाँ पे आप लोग देखो, सारी जगह गोल्ड ही गोल्ड है, बूस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो यार, पैरागॉन जो भी प्लेटिनम खरीदेगा उसे पैरागॉन क्रिस्टल मिलने वाले हैं, 1500 शार्ड, सिग्नेचर स्टोन और ये सब, टैटू अल्फा हमारे लिए भी है, लेकिन हमारे लिए कम है। यहाँ पे पैरागॉन एक ही मिलेगा, बाकी सब तो रिवॉर्ड आई थिंक थोड़े बहुत सेम है। गोल्ड मिलेगा 1,00,000 एंड उसके बाद अगेन आगे जाके देखोगे डे 14 पे यहाँ पे इन्हें एक प्रोफाइल पिक मिल रहा है, और मॉर्बियस भी एंटर कर चुका है इस वाले, मतलब मॉर्बियस एंटर कर चुका है गेम में। यहाँ से अगर खेलेंगे लगातार प्लैटिनम ट्रैक जो लेगा उसे मॉर्बियस भी मिल सकता है आगे जाके, एंड ऐसा ही कुछ था। यहाँ पे अगर देखोगे डे 21 पे यहाँ पे अगेन पैरागॉन क्रिस्टल मिलेगा, फ्री टू प्लेयर के लिए भी है यहाँ पे। एंड अगर ये देखोगे मॉर्बियस स्टैम्प मिला है यहाँ पे, एक स्टैम्प मिल रहा है जो कि एक्सक्लूसिव अवेलेबल थ्रू डबल ट्रैक इवेंट स्टार्टिंग इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले महीने भी यही होगा। मतलब आप आराम से यहाँ पे जो भी प्लैटिनम खरीद सकते हैं वो आराम से जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीन स्टैम्प तो आराम से कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और अक्टूबर में इसकी एंट्री हो रही है मॉर्बियस की। तो यहाँ पे बहुत कुछ है भाई प्लैटिनम ट्रैक के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम खरीद नहीं सकते। और हाँ, डे 27 को कैसे क्लेम करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और डबल ट्रैक इवेंट जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव आते हैं हर दिन, ये आप लोग प्रैक्टिस मोड में भी कंप्लीट कर सकते हो। डबल ट्रैक इवेंट का डे 27 कैसे क्लेम करना है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोलो इवेंट आया होगा, जैसे ही आप 4 दिन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लोगे आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये है, प्रीव्यू करना है यहाँ पे आपको, गोल्ड ट्रैक पे क्लिक करना, जो भी फ्री टू प्लेयर है उनके लिए बोल रहा हूँ। जैसे ही गोल्ड ट्रैक पे क्लिक करोगे आपका 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि जैसे कि 4 दिन हुए होंगे, अगर इसको क्लेम करोगे उसके बाद में 5 दिन हो जाएंगे, 5 दिन के रिवॉर्ड मिल जाएंगे। ऐसे करके आप 27 डे 27 ऑटोमेटिकली क्लेम कर लोगे। तो जल्दी से चलते हैं आगे, एंड मॉर्बियस है, ये रहा मॉर्बियस भाई, क्या सही है। मतलब मेरे को लगता है ये सिम्बियोट होने वाला है, उसके बाद में आई थिंक हाँ ये सिम्बियोट होने वाला है, उसके बाद मेरे को लगता है ये काफ़ी डेडली करेक्टर होने वाला है, ये डैमेज ओवर टाइम वाला करेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। चलो फिलहाल साइड क्वेस्ट में चलते हैं। साइड क्वेस्ट के सारे जो भी यहाँ पे रेयर पाथ है आज वो हम करेंगे। पहले तो मैं यहाँ से क्विट कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं। मैं कैवेलियर इवेंट पे हूँ, यहाँ तो उसे मैं कंप्लीट करके उसके बाद में मैं साइड क्वेस्ट पे चलता हूँ। ओके तो गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ साइड क्वेस्ट पे, मैंने इवेंट क्वेस्ट का वो पाथ जो है वो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास सारे गेट पास है, तो अभी यहाँ पे हम सबसे तीन रेयर पास लेने वाले हैं, तीनों के तीनों। सबसे पहले तो यार स्पॉट वाला लेने वाला हूँ, ये वाला गेट पास लगेगा ना इसके लिए आई थिंक, हाँ यही वाला पाथ लगेगा। तो जल्दी से एंटर करते हैं। यहाँ पे स्पॉट के लिए काउंटर लाना है, हरकुलिस आ जाएगा अपने पास, हरकुलिस और ह्यूमन टॉर्च लेके आना है। ह्यूमन टॉर्च में दोनों रखने वाला हूँ क्योंकि काम में आने वाले हैं ये, इसको रख लेते हैं। हरकुलिस आ जाएगा यहाँ पे, शांची की ज़रूरत नहीं है, 2 हरकुलिस और 2 ह्यूमन टॉर्च रख लेता हूँ क्योंकि यही काम में आने वाले हैं। 2 हरकुलिस आ गए यहाँ पे। और गाइज, किसी को भी आईडी खरीदनी हो, कोई भी कंप्लीशन करना है तो मुझसे कांटेक्ट करो, कांटेक्ट डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ से। एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंप्लीशन करना है। हाँ, कुछ किसी को आईडी खरीदनी है किसी की, तो मैं आपको आईडी भी दे सकता हूँ खिलवा, मतलब है मेरे पास 2-4 ऐसे लोग जिन्हें आईडी बेचनी है, और 100% गारंटी के साथ वो आपको मिलेगी, कोई भी स्कैम नहीं होगा यहाँ पे। जल्दी से यहाँ पे ये वाला पास लेते, और
ये क्या बोलते हैं जेम यहाँ से लेते हैं। यार गेम इतना स्लो क्यों हो जाती है भाई अचानक से। हरकुलिस को यूज करते हैं क्योंकि ये ही फेस को काउंटर कर पाएगा। लोकल लोड गया, अभी हर 12 सेकंड में हम रूटेड हो जाएंगे। ओके हमें पीछे रहना पड़ेगा हर 12 सेकंड में। द टाइमर विल ओनली स्टार्ट आफ्टर रूट हैज ओके वेल टाइम ब्लॉक अटैक। अच्छा 7 सेकंड में अगर फिर से पैरी किया तो हमें फॉल्टर मिलेगा। व्हेन द डिफेंडर इज नॉक डाउन 4 सेकंड ओके कोई भी मुश्किल नोड नहीं है, एक ही नोड मुश्किल है वो है रूटेड नोड। हर 12 सेकंड में हमें पीछे जाना पड़ेगा, इससे दूर डिस्टेंस बनाना पड़ेगा ताकि वो रूट हो हम रूटेड ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई अगर एक ही जगह फंस जाओगे तो। यहाँ तो ऐसा करो स्पेशल अपना रेडी कर लिया करो। ये क्या कर रहा भाई, मैंने इन्फ्यूरेट भी कर दिया इसको। ये दिया स्पेशल वन, नाइस। एंड एक हैवी भी दे देते हैं साथ ही साथ, नाइस। ओके डिस्टेंस मेंटेन कर, चलो ये हो गया। ये दिया हमने यहाँ पे ये, रुको अभी स्पेशल फेंकेंगे हम यार। ये दिया स्पेशल टू, ओ शिट मेरे पास ट्रू सेंस एक्टिवेट नहीं था ब्रो। ओहो लेकिन फिर भी पिट गया ये। चलो ये इजी हो गया, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। अगर सन स्पॉट से नहीं हुआ तो फिर हम ट्राई करेंगे उससे मारने का, क्या नाम है अपने हरकुलिस भाई से। इसको मैं हैवी फेंकूंगा, सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करना है एक बार तो। हट तेरी, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया मैंने। मैं चाहता हूँ ये अपना स्पेशल यूज करे। मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ओके ये आ गया फिर से फेज में, रुको फेज होने दो खत्म। ओहो ये दिया स्पेशल टू हमने, नाइस। एंड लेट्स सी 55-31%, नाइस डैमेज। एक मिनट, अच्छा फॉल्टर था यार, मैं सोचूं ये क्या हुआ, मिस कैसे हुआ। ओके हट तेरी, तो ऐसे तैसे भाई अगर ब्लॉक डैमेज गलती से लिया ना इसके स्पेशल टू का, वॉट लग जाएगी, आई थिंक मर जाएगा ये। नाइस एक स्पेशल टू ने काम तमाम कर दिया इसका, चलते हैं आगे। ओके यहाँ पे फाइट है स्पॉट के साथ में, इसके बाद में हमारी बॉस फाइट है सिर्फ और सिर्फ। इसका दिक्कत है इसके ब्लॉक पे नहीं मार सकते यार, वरना पिटेंगे बहुत। ओके स्पेशल टू पे उसको पुश कर दिया, हमको स्पेशल वन फेंकना पड़ेगा वरना अनटचेबिलिटी आ जाएगी उसको। नाइस अब हैवी करके थोड़ा दूर फेंकना पड़ेगा इसको। अच्छा है कि फॉल्टर हमें सताएगा नहीं क्योंकि ट्रू सेंस है हमारे पास। ओके अच्छा किया रूटेड हो गया। एक हैवी फेंकेंगे, नाइस। एक स्पेशल टू फेंकेंगे और काम तमाम हो जाएगा। चलो अब है हमारी बॉस फाइट जो कि डोर मामू से है, वो थोड़ा दिक्कत देने वाला है। तो ये रहा डोर मामू, एंड हमें लोकल नोड्स पता ही है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसके सामने डेक्सटेरिटी मत करना कभी भी, या कोई भी बफ गेन मत करना वरना डीजनरेशन देगा बहुत तगड़ा। अगर पिग को ले स्पाइडर हैम को लेके आओगे या मिस्टर फैंटास्टिक मिस्टर नेगेटिव को ले आओगे वो सही काम करेंगे क्योंकि डीजनरेशन का जो डैमेज है वो कम लेते हैं वो लोग। मुझे अब अपना कॉम्बो मीडियम से एंड करना पड़ेगा, अब लाइट से करना है एंड ताकि फ्यूरीज गेन हो। अब मुझे करना है मीडियम से एंड, चारों स्पेशल टू यूज करे कर लिया लेकिन काफी डैमेज दे दिया। अबे मार देगा क्या। ओके ये दिया हमने, शिट मैन आई थिंक
मैंने यार डेक्सटेरिटी गेन किया था यार, शिट। इस साइड क्वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ मुझे डोर मामू से ही प्रॉब्लम आती है, वरना किसी से नहीं प्रॉब्लम आती, क्योंकि यार हम बफ तो गेन करेंगे ही कभी ना कभी, ऐसा हो नहीं सकता कि बफ ना गेन हो। मीडियम सैंड करेंगे 48% से अभी। ओके आप मीडियम सैंड करना है, नाइस। ओहो मैंने बफ फिर से गेन कर दिया, लाइट सैंड करना है दे दिया साथ में ही, स्पेशल टू हमने 28% 25%। अरे नहीं यार फिर पिट गया, चलो कोई नहीं। ओके अब इससे ट्राई करते हैं, वक्त आ गया इससे मारने का। अब 18% ऐसे मैं फ्यूरीज गेन कर सकता हूँ, दे दिया स्पेशल हमने। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हैवी चार्ज करना है। चलो ये हुआ ख़त्म, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च में बहुत इजी कर लिया था। एंड इसी के साथ में हमने अवेकनिंग जेम जो है हमारा ये रेयर पाथ का मिल चुका है। अब चलते हैं दूसरे रेयर पाथ पे, पहले आपको रिवॉर्ड दिखाते थे उसके बाद में हम दूसरे वाले रेयर पाथ पे चलेंगे। ओके ये रहा जेम, एंड चलते हैं दूसरे रेयर पाथ पे, मिलता हूँ। चेंज करके अब जाने वाले हैं हम पाथ जो कि पेनी पार्कर वाला पाथ है, यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आई थिंक ये लेके जाएगा हमको शायद ना, डी पाथ ये है, सी पाथ ये लेके जाएगा। ओके तो एक काम कर, ये वाला किस पे लेके जाएगा, ये सिर्फ सी पे लेके जाएगा, डी पे पाथ नहीं लेके जाएगा। ओके समझ गया मैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से पहले यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं टीम लाया हूँ इस हिसाब से। तो अबे चलना ओपन करना गेट, अच्छा ओके तो टीम मैं इस हिसाब से लाया हूँ ताकि पेनी पार्कर को लुढ़का सकूँ। इसके बाद में हम नल वाले पाथ पे जाएंगे जो कि हमें दूसरी तरफ से जाना होगा। अभी मेरी फाइट है यहाँ पे स्टार्क स्पाइडी के साथ में, तो हम शांची का भी यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे हरकुलिस का भी यूज़ कर सकते हैं। भाई कर, अचानक से गेम इतनी स्लो हो गई समझ नहीं आ रहा है। ओके यहाँ पे क्या है कि जब भी हम पैरी करेंगे हमें फ्यूरी मिलेगा जो कि हमारी 75% इंक्रीज़ कर देगा अटैक 15 सेकंड के लिए। ओके व्हेन द टाइम अटैकर, अब जब भी हम वेल टाइम ब्लॉक करेंगे हमें फ्यूज चार्ज मिलेगा। अगर 5 से ज़्यादा फ्यूज चार्ज हो गए तो हमें डायरेक्ट डैमेज मिलेगा 25%, मतलब हम ज़्यादा पैरी नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है यहाँ पे। चलो शांची का यूज़ करते हैं। ओके पहले तो सबसे पहले इसको मेरे को स्लो डीबफ डालना पड़ेगा ताकि ये इवेड ना करे स्पेशल फेंकने पे, उसके बाद में हम इजी से इसको मार सकते हैं। यहाँ पे बस मुझे चार्ज बनाने हैं और इसका स्पेशल वन स्पैम करवाओ, क्योंकि स्पेशल टू पे ये ब्लॉक डैमेज भी बहुत ज़्यादा देता है यार, उससे बचना पड़ेगा आपको। नाइस मेरा रैलिक रेडी है। ओके मैं चाहता हूँ इसको एक बार पैरी करूँ, पहले मैं इसका स्पेशल वन स्पैम करवाता हूँ उसके बाद में हम इसको पैरी करेंगे। आप छोड़ेंगे क्योंकि फ्यूरी के साथ में स्पेशल मारेंगे एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिमाग लगाया, पैरी किया, फ्यूरी लिया, उसके बाद में स्पेशल ठोक दो। बेस्ट काउंटर है यहाँ पे पेनी पार्कर का हमारे पास, तो हमको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहले तो शील्ड भी हम तोड़ सकते हैं इसका यार, और आराम से हमें क्या करना है स्पेशल वन ही स्पैम करना है बार बार अपने। अरे नहीं यार पिट गया, अपने चार्ज बना लो आराम से। ओके यहाँ पे मैंने फेंका ये स्पेशल वन, अभी हैवी नहीं किया है मैंने तो इसलिए डैमेज नहीं, हार्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी बहुत सारे चार्ज बनाना बाकी है। 320 हो गया, नाइस। एक और बार स्पेशल वन रेडी होगा उसके बाद में हैवी फेंकेंगे। मेरे को पता था यहाँ पे, मैंने इसलिए लाइट एंड किया कॉम्बो क्योंकि मुझे पता था इसकी शील्ड आएगी। हमारे पास 410 हो गए ना चार्ज, हैवी फेंक देते हैं 460, नाइस 500 775 पे हमने हार्वेस्ट फेंका, आई थिंक मर जाना चाहिए इसको। ओके चलो नाइस, चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। ओके ये फाइट है सिल्क के साथ में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ करो, स्लो डीबफ डालो, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भाग सकती है भाई स्पेशल पे, वेड कर सकती है।
और कोशिश ये करो कि स्पेशल वन ही स्पैम करवाओ, क्योंकि ज़्यादा टैक्स नहीं करना पड़ेगा, आराम से बच सकते हो स्पेशल वन से। स्पेशल टू थोड़ा दिक्कत तो देगा यार, ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। देखो भाग गई, देखा यही बोल रहा था मैं। डालो स्लो डीबफ चुपचाप एंड अब पैरी करके हैवी क्या बोलते हैं उसको, वो मार लो। ये फेंका हमने स्पेशल, आई थिंक मर जाना चाहिए था इसे, नहीं मरी। यही बोल रहा था स्पेशल टू इसका बड़ा खतरनाक है भाई। डेक्स करना है तो बहुत ज्यादा स्किल होना पड़ेगा डेक्स में। ओके लाइट एंड करते हैं पहले, तो एक फ्यूरी तो मिला, चलो अब मीडियम एंड करते हैं। हैवी फेंक देते हैं, लाइट एंड फेंकते हैं। मेरा स्पेशल टू बनना चाहिए, फिर बताता हूँ इसको। ओके मीडियम एंड, अब ये पैरी भी होगा। ओहो मैंने इसका स्पेशल थ्री रेडी कर दिया यार। जितना मार सकते हैं मारेंगे, कि मरने वाले हैं। 25% बचा है, आई थिंक हरकुलिस कंप्लीट करवा देगा ये। शांची से भी कर लूँगा लेकिन वो डीजन लेगा यार, होता तो इजी हो जाता। अरे इसका अपना चल रहा है भाई, इधर पे पैर ही नहीं पकड़ रहा है। तेरी तो काउंटर करेगा मेरे को, ये ले। ओ पैर ही करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मार सकते हो फेज में रह के। बस मेरा स्पेशल टू रेडी हो जाए एक, उसके बाद इसको बताता हूँ। ओके चलो ये हुआ, ये वाला पाथ भी हमने कर लिया कंप्लीट। इसके रिवॉर्ड भी क्लेम कर दें, रिवॉर्ड दिखाते हैं, दिखाता हूँ मैं क्या क्या होने वाले हैं यहाँ पे। ये रहे रिवॉर्ड यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेलेस्टियल अलॉय ले रहा हूँ। मैं सिग्नेचर स्टोन भी नहीं ले रहा, मुझे चाहिए सिग्नेचर स्टोन यार, मुझे लगता है मुझे सिग्नेचर स्टोन ले लेना चाहिए। हाँ यार मुझे ये लेना चाहिए क्योंकि मेरे को ज़रूरी है ये, मेरे को हाइपीरियन में डालने हैं यार। चलो ये हो गया, एक और पाथ पे आता हूँ जल्दी से। एंटर कर चुका हूँ मैं फिर से यहाँ पे साइड क्वेस्ट में, एंड अब हम लेने वाले हैं नल वाला पाथ जो कि रेयर है, वहाँ के रिवॉर्ड्स भी क्लेम करेंगे। आई थिंक डी पाथ है। ओके पहली फाइट हमारी वेनम के साथ है, तो हम यहाँ पे हरकुलिस का भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे सन स्पॉट का भी, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं वैसे यार, इसको किसी से भी परहेज नहीं है। क्या लोकल नोड है, हर 10 हिट पे हमारा कॉम्बोमीटर हमको क्यूरेलिटी मिलेगी, आर्मर ब्रेक डीबफ मिलेगा परमानेंट अगर हिट हो जाएंगे तो, और एनर्जाइज मिलता चला जाएगा। एक काम करते हैं हम सन स्पॉट का यूज़ करते हैं यार, इसका स्पेशल टू जो है ना वेनम का, वो भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत ब्लॉक डैमेज देता भाई बंदा। अभी करो स्पैम, स्पेशल वन फेंको एक यहाँ पे स्पेशल, अब मैं फेंकने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टू। ओके नाइस, ओ शिट मैंने अपना ब्लॉक छोड़ दिया यार, ले गया मैं, शिट मैन 2-3 हिट से ही मर गया यार, शिट यार, एक स्पेशल टू से काम तमाम कर देता मैं उसका। अबे यार ये बंदा है क्या, ये कैसे मार रहा है मुझे, पीछे रह भाई, तेरी तो ऐसी की तैसी। ओके मैं चाह रहा हूँ ये स्पेशल टू वन छोड़े, इन्फिनेट भी किया इसको मैंने, ये फेंका स्पेशल वन अगेन 20%, ये फेंका एक और हैवी, ओके आई थिंक गया 71% पे रीजन कर गए हम। चलो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। ओके यहाँ पे स्पाइडरमैन सिम्बियोट से फाइट है। देखो यार हर स्पेशल के बाद में ना इवेड करता है, तो हमको स्लो डिबफ डालना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करो कि बार बार स्पेशल टू पे पुश करो इसे,
स्पेशल टू डेक्स करना बहुत इजी है, स्पेशल वन मेरे से होता नहीं है भाई। हट तेरी तो ऐसी की तैसी। ओके स्पेशल टू पे पुश कर दो। नाइस 4%। हट तेरी तो ऐसी की तैसी, चल तेरी तो। आगे बढ़ते हैं, नल नल की फाइट है अब। ओके मुझे हरकुलिस को लाना चाहिए था, वो रीजन कर जाता है यार यहाँ पे, हील हो जाते हैं हम। कोशिश करो नल को बार बार स्पेशल टू पे पुश करने की, क्योंकि स्पेशल टू डेक्स करना बहुत इजी है, स्पेशल वन में पंगे हो जाएंगे भाई, रिवर्स कंट्रोल ये सब, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हट तेरी तो, हट, मार स्पेशल टू भाई, चल। मुझे यार हरकुलिस को लाना चाहिए था रियली। ओह शिट, और मुझे लगा स्पेशल वन स्पेशल टू बन गया यार, मेरे को हैवी फेंकना पड़ेगा जल्दी से, मेरे सारे चार्ज खत्म हो गए। ओके स्टन तो मैं कर नहीं सकता, अब कर सकता हूँ, दे दो हैवी यहाँ पे एक। नाइस चलते हैं स्पेशल टू पे, एक और हैवी, चलो अब यहाँ पे थोड़े चार्ज बना सकते हैं हम, ये दिया हम। ओ भाई स्पेशल टू से पहले ही मर गया, चलो अब हमारी बॉस फाइट है, जल्दी से चलते हैं उधर पे। ओके मॉर्निंग स्टार से हमारी बॉस फाइट है, स्पेशल वन स्पैम करवाओ इसका बार बार, क्योंकि स्पेशल वन डेक्स करना बहुत ही, अरे नहीं यार टाइमिंग में गड़बड़ आ जाती है भाई, वो यार लाइट से एंड करते हैं पहले। ओके मीडियम से एंड करते हैं, दे दे स्पेशल वन फिर मैं मारता हूँ, लाइट से एंड करते हैं। उसमें दिया हमने स्पेशल टू, नाइस 18%। हट तेरी तो, हट तेरी तो, चल। ओके देखा मैंने बोला था सिर्फ डोरमामू में पंगे होते हैं हमारे, ये हो गए हमारे सारे रेयर पाथ कंप्लीट। इसके मैं रिवॉर्ड दिखा देता हूँ आप लोगों को, रिवॉर्ड यहाँ पे टायर 5 क्लास कैटलिस्ट हम चूज कर सकते हैं, 300 हम ये भी चूज कर सकते हैं, जो कि इसको बनाने में काफी टाइम लगेगा। टायर 5 क्लास मेरे को चाहिए, सेलेक्टर चूज क्यों नहीं आ रहे भाई, हाँ ये रहे, एक ये चूज किया मैंने और एक और कॉस्मिक ही चूज करने वाला हूँ। चलो ये हो गए यहाँ पे कंप्लीट, और सारे रेयर पाथ हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।